नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया। हमारे पास में जो छोटी छोटी कतरन बच जाती है, आज हम उसका यूज करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें एक पीस कट करना है 10 बाय 10 इंच का। मेरे पास में ये स्टॉल का एक छोटा सा पीस बचा हुआ रखा है। आप इसकी जगह कोई भी वूलन कपड़ा ले सकते हैं, स्वेटर या जर्सी का, कॉटन का ले सकते हैं, या फिर बेड शीट का भी। तो इसमें से हमें ना 10 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई वाला एक पीस कट करना है। तो पहले एक पीस कट कर लेते हैं। हमने इसे फोल्ड किया हुआ है तो 5 इंच पर हमने चौड़ाई में निशान लगाया है। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे ना तो ये 10 इंच हो जाएगा। लंबाई 10 इंच ली है, निशान को बराबर कर लेते हैं और इधर तक कपड़े को कट कर लेंगे। तो पहले एक पीस कट कर लेते हैं, फिर इसी को रखते हुए दूसरे के ऊपर हमें इतना ही पीस एक और कट कर लेना है। देखिए, जो आइडिया आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसे आप दो तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप इसलिए ना पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से समझ आ सके। कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेंगे इधर की साइड से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक पीस को पहले साइड में रख देते हैं और इसके ऊपर लगा लेते हैं निशान। तो जो बंद वाली साइड है उधर की साइड इंच टेप को रखते हुए 5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच अंदर की तरफ, मतलब गहराई। नीचे वाली साइड से भी 1 इंच और इस निशान को सीधा मिला देंगे नीचे वाले निशान से। अंदर की साइड हल्की सी गोलाई दे देनी है और इधर तक हमें इसे कट कर लेना है इधर तक। अब जो ओपन वाली साइड है ना, ये वाली साइड, इधर की साइड से इंच टेप को रखकर 2 इंच पर निशान लगाना है, इधर से भी 2 इंच और यहां से यहां तक निशान को मिलाते हुए गोलाई दे देनी है। अब इधर वाली साइड से हमें ओपन वाली साइड जो दूसरी साइड है ना उधर की साइड से 1 इंच की गहराई देनी है, मतलब कि गोलाई देनी है दोनों साइड एक एक इंच का निशान लगाते हुए। तो हमें बस ये 3 कट ही करने हैं। 2 साइड गोलाई देनी है और बीच वाली साइड है ना जो बंद वाली साइड है वहां हमें 5 इंच का लंबा निशान लगाने के बाद में 1 इंच चौड़ाई वाली गहराई देते हुए गोलाई लगा देनी है। तो इसकी कटिंग कर ली है, इसको रखेंगे दूसरे वाले पीस के ऊपर। या तो आप निशान लगा लीजिए या फिर इस कपड़े को ना दूसरे के ऊपर रखते हुए इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। इधर की साइड से भी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे पास में 2 पीस कट हो गए हैं। अब इसमें नीचे लगाने के लिए हमें लाइनिंग का कपड़ा चाहिए। तो इसके लिए बेडशीट का कपड़ा या फिर कोई भी वूलन कपड़ा ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो मेरे पास एक वूलन सूट रखा था पुराना, मैं उसका यूज करने वाली हूँ। और बीच में लगाने के लिए आप या तो रबर सीट का यूज करें तो कर सकते हैं, फॉर्म सीट जो सूट की पैकिंग से निकलती है ना उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके बीच में कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि दोनों कपड़े हमारे वूलन है। तो ये जो सीधी साइड है वो हमें अंदर की तरफ रखनी है। तो 2 पीस तो हमने स्टॉल वाले कपड़े में से कट किए हैं और 2 पीस कट किए हमने पुराने सूट में से। जो सीधी साइड है वो हमें अंदर की तरफ रखनी है दोनों की, और जो उल्टी साइड है वो दोनों बाहर की तरफ रखनी है। ये देखिए, कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेना है। तो जो बीच वाला कट है ना वहां से बराबर कर लेना है, जो एक्स्ट्रा बाहर की साइड निकलेगा उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है दोनों के ऊपर। तो जो बीच वाली कटिंग की है ना हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगानी है, इसी तरह से इसके ऊपर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं जहां तक सिलाई लगाई है ना, सिलाई नहीं कट जानी चाहिए। ताकि हम इसे सीधा करें ना तो इसमें ना चुन्नटें ना पड़नी चाहिए। ये देखिए, अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। जो उल्टी साइड है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर बैठने वाली सिलाई लगानी है। कपड़े को ना बिल्कुल बराबर करते हुए इसकी जो बीच वाली सिलाई है ना यहाँ इधर की साइड से किनारी को निकालते हुए इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। मैं आपको दूसरा पीस सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है और इसके ऊपर भी हमें बैठने वाली सिलाई लगा देनी है ताकि कपड़ा अच्छे से ना बैठ जाए। इसकी सिलाई है जो,
कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा तो इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है, दोनों के ऊपर। ये देखिए दोनों के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब दोनों कपड़े के पीस हमें अलग अलग करने हैं, दोनों पीस जो, तो इधर वाली साइड इसी तरह से ये वाला पीस भी। तो जो ज्वाइंट है ना वो ज्वाइंट हमें ज्वाइंट से मिलाना है। तो देखिए एक साइड ब्लू कलर का कपड़ा आ जाएगा, एक साइड ब्राउन कलर का। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है दोनों के ऊपर, लेकिन अलग अलग करके लगानी है। ये देखिए इस तरह से पहले कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेना है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है यहाँ से, फिर उसके बाद इधर वाले पीस पर लगानी है। तो थोड़ा सा हमें ना एक जगह ओपन रख लेना, खुला रख लेना है, ताकि इधर की साइड से हम इसे ना सीधा कर सकें सिलाई लगाने के बाद में। इसी तरह से जो दूसरे वाला पीस है, ये देखिए दोनों को हमने इधर की साइड से भी अलग अलग कर लिया, तो इधर हमें थोड़ा सा ओपन रख लेना है। अब मैं आपको ना सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ज्वाइंट है जो ज्वाइंट के ऊपर ही रख कर सिलाई लगानी है। सिलाई लगा दी है हमने चारों साइड से, थोड़ा सा इधर की साइड हमने खुला रखा है, इधर की साइड से ना दोनों पीस हम सीधे कर लेंगे। अब जो ओपन रखा है हमने, खुला रखा है, उसे हमें सील कर बंद करना है। तो थोड़ा सा कपड़ा हमें दोनों साइड का अंदर की तरफ इस तरह से दबाते हुए इसके ना किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। चाहे तो आप सुई धागे से सील कर बंद कर दीजिए या फिर सिलाई मशीन से। तो दोनों के ऊपर हमने सिलाई लगा कर बंद कर दिया दोनों साइड का कपड़ा। अब देखिए इसके अंदर हमें डाल देना है ये वाला ऊपर वाला पार्ट। तो आप ना पहले या ब्लू के अंदर ब्राउन कलर को डाल दीजिए इस तरह से, तो ये अंदर चला जाएगा और जो सिलाई है ना वो भी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। तो जो इसके ऊपर हमने सिलाई लगाई थी ना वो अंदर की साइड चली जाएगी। तो ये हमारे ब्लू कलर के सॉक्स बन गए। देखिए अब हम इसे उल्टा कर लेंगे तो जो अंदर वाला कपड़ा है वो हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये ब्राउन कलर के सॉक्स हमारे तो रेडी हो गए। एक ही सिलाई लगाने से हमारे दो तरह के सॉक्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब जब हमें ब्लू कलर के पहनने होंगे तो हम ये जो ब्राउन कलर का कपड़ा वो अंदर की तरफ कर देंगे और ये हमारे ब्लू कलर के रेडी हैं सॉक्स बनकर। इस तरह से पहनने में बहुत ही आसान है, आरामदायक है। तो इस तरह से ना किसी भी तरह के कपड़े के आप सॉक्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। और जब आप मोटा कपड़ा लेते हैं ना, जैसे स्वेटर या जर्सी का लेते हैं या स्टॉल का लेते हैं, तो उसमें ना बीच में कपड़ा लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ना कोई बुकरम, ना कोई फॉर्म सीट, ना रबर सीट। तो इस तरह से ना आप बहुत ही इजी तरीके से सॉक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इसका नाप कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो जब हमें ब्राउन कलर के सॉक्स पहनने होंगे तो जो ब्लू कलर का कपड़ा है वो हम अंदर की तरफ कर देंगे। सिलाई बिल्कुल भी दिखने वाली नहीं है क्योंकि सिलाई हमारी है जो वो अंदर की साइड चली गई है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए इसका नाप कैसे ले लेना है वो देख लेते हैं। पैर को रखना है जिस पैर के हिसाब से आपको सॉक्स बनाने हैं। जैसे मैं आपको अपना नाप लेकर दिखाती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो हमारी 9 इंच आई है, 9 इंच इसकी लेंथ आई है। अब इसकी विड्थ ले लेते हैं। तो पैर के नीचे ना पंजे के नीचे इंच टेप को इस तरह से रखते हुए हमें नापना है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी 9 इंच आई है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों इसकी 9-9 इंच आई है। तो इसमें हमें 1 इंच ना मार्जिन का सिलाई का ले लेना है। तो ये 10 इंच का कपड़ा हमें लेना है, ठीक है ना। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 1 इंच सिलाई का लेना है जितना भी आपकी लेंथ या विड्थ आती है।